morning, students. Welcome to you in Nijyoti Academy online classes. Standard 5, subject SST, chapter 20, the United Nations. Shanyukta Rashtrang. UN is an intergovernmental organization. What is intergovernmental organization? And U.S. main aim is to maintain international peace and security. इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई और यूएन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क रहा। तो हम लोग जाने द यूनाइटेड नेशंस मीन्स यूएन शॉर्ट फॉर्म इज एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज एस्टैब्लिश्ड टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन कीप वर्ल्ड पीस मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस एंड प्रिवेंट वॉर्स। The name United Nations was first used by Franklin D. Roosevelt. The then President of the United States of America. At the time, it was founded, the UN had 51 members and now there are 193 members. इट मीन्स संयुक्त राष्ट्र जिसे हम शॉर्ट में यूएन यानी यूनाइटेड नेशन कहते हैं ये एक अंतर सरकारी संगठन है जिसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने विश्व में शांति स्थापित करने और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने युद्धों को रोकने के लिए इसको स्थापित किया गया। संयुक्त राष्ट्र नाम का प्रयोग सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया। जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसके 51 मेंबर्स थे लेकिन अब 193 मेंबर्स हो गए हैं। अंडरस्टैंड। अब हम लोग इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड फॉर्म्ड द लीग ऑफ नेशन यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी। राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई थी। इट वॉज अ प्लेस वेयर नेशंस कुड टॉक एंड देयर डिफरेंसेस पीसफुली बट सम कंट्रीज लाइक जर्मनी इटली एंड जापान ignored the league and tried to solve dispute through wars. As a result, the league failed and the World War II began. कहने का मतलब हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद दुनिया के राष्ट्रों ने राष्ट्रसंघ का गठन किया और यह एक ऐसा स्थान था ऐसा जगह था जहां पर राष्ट्र अपने मतभेदों को या मतभेदों पर शांति से बात कर सकते थे लेकिन कुछ देश ऐसे थे जैसे जर्मनी की बात करें इटली की बात करें जापान की बात करें तो लोगों ने इसकी उपेक्षा कर दी और
जितने भी डिस्प्यूट थे, जो विवाद थे, उसको वार के द्वारा, युद्ध के द्वारा उसको सुलझाने का प्रयास किया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ कि ली फेल हो गए, यानी राजसंघ विफल हो गए और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। दिस वार वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। मिलियंस डाइड एंड मेनी मोर वर डिसेबल्ड। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ड्रॉपिंग एटम बॉम्ब ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी सिटीज इन जापान। देयर वाज सॉरो एंड हॉरर, देयर वाज सॉरो एंड हॉरर एवरीवेयर। द पीपल आर ओवर द वर्ल्ड गॉट वॉरिड अबाउट देयर फ्यूचर। तो जब लीग विफल हो गई और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, तो ये जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, ये युद्ध मानवों के जीवन और संपत्ति के मामले में सबसे महंगा युद्ध था। क्यों? क्योंकि इसमें लाखों लोग मारे गए और कई अन्य विकलांग हो गए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए। ये बम गिराए गए थे 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, ठीक उसके 2 दिन के बाद नागासाकी पर बम गिराए गए थे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।